बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 13 में झगड़े हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा बड़े झगड़े नहीं हुए कि जिसमें सारे घर वाले ही इन्वॉल्व हो जाएं और एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हुए नजर आएं। लेकिन इस घर में खाने को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि खाने को लेकर अब रश्मि और आसिम के बीच में झगड़ा हो गया है। जी हाँ, दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रश्मि बड़े ही प्यार से सबके लिए बनाती है आलू के पराठे, लेकिन वो सबके लिए एक एक पराठा बनाती है। ये बात आसिम को पसंद नहीं आती है और आसिम कहते हैं कि ये तो यार गलत, जब सब दो दो या तीन तीन रोटियां खाते हैं तो एक ही पराठा क्यों, सबके लिए एटलीस्ट दो तो बनाना चाहिए था ना, खाने में कैसे नेगेटिविटी बनाते हैं यार ये। रश्मि कहती है कि मैं इतना तो करती हूँ तो वो भी नहीं करता है। आसिम कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में नेगेटिव एनर्जी डालते हो, आप एक रोटी दे रहे हो ना, कल से मैं वो भी नहीं खाऊंगा। आसिम कहते हैं कि आपका काम खाने बनाने का है ना, तो रोटियां बनाओ और रख दो। तो रश्मि इस बात से नाराज हो जाती है और वो कहती है, ए आसिम, तेरे अब्बा की नौकर नहीं हूं मैं जो ये सब करूंगी। रश्मि कहती है कि अगर इतनी नेगेटिविटी है तो बात ही क्यों करता है, कल रात को मैं के लिए रोटियां बना रही थी और आज ये ऐसी बात कर रहा है, हाँ थैंकलेस पर्सन इज ही। रश्मि कहती है तू ये दोगला पत्ती जो करता है ना छोड़ दे इसे। तो इस पर आसिम नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरा गेम है, जैसी मर्जी मैं खेलूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आसिम इस दौरान काफी अग्रेसिव नजर आते हैं। रश्मि इस दौरान कहती है कि किसी और की बोली बातें बोलता है साला, और इस दौरान मामला काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली।